मेषराशि टिप दोस्तों और भाइयों से मदद मिलेगी जिससे आपके काम पूरे होंगे। पुराने दोस्तों से मिलने का योग बन रहा है। आपको ऐसे पुराने दोस्त मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे और रुके हुए काम भी पूरे करवा देंगे। निवेश या पैसों से जुड़े कुछ रोचक मौके मिल सकते हैं। नए विचार भी आपके सामने आते जाएंगे। योजना बनाने और फैसले करने के लिए दिन अच्छा है। किसी गुरु या बुजुर्ग से आपको सही सलाह मिल सकती है। किसी तरह का दबाव महसूस करते आ रहे हैं तो हो सकता है आपका दबाव भी कम हो जाए। पार्टनर से भी संबंध सुधरने लगेंगे। पार्टनर भी आपको पूरा समय देगा। नेगेटिव, आपको कोई बात असंभव और अव्यावहारिक भी लग सकती है। घर, परिवार और ऑफिस की जिम्मेदारियों में संतुलन बैठाने में आपको समस्या महसूस होगी। आक्रामकता और संकोच की भावना में संतुलन बैठाने में परेशानी बढ़ सकती है। थोड़ी झुंझलाहट भी मन में रहेगी। परिवार या मोहल्ले में थोड़ा तनाव हो सकता है। क्या करें, सौंफ खा कर घर से निकले। लवपति पत्नी के बीच गलतफहमी दूर हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। करियर, आर्थिक नजरिए से आपके लिए दिन अनुकूल रहेगा। इस राशि के कुछ स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। हेल्थ, पिता की सेहत को लेकर थोड़ी टेंशन भी रहेगी, साथ ही आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। वृषभ, अपना काम खुद निपटाएं तो सफल रहेंगे। संयम में रहें। पैसों के मामले में फालतू टेंशन ना लें। जरूरत के हिसाब से आपकी व्यवस्था हो सकती है और आखिरी में सब ठीक भी हो जाएगा। आप दूसरों की बात ध्यान से सुने। पुरानी चिंताओं और हर तरह की नकारात्मकता को दिमाग से निकाल देंगे तो स्थितियां आपके लिए सहज हो जाएगी। आप आज सामने आने वाले अवसरों का फायदा उठा सकेंगे। आपके लिए दिन भी अच्छा रहेगा। आप अच्छा और मीठा बोलकर अपने काम पूरे करवा लेंगे। कानूनी मामलों में आपको किसी ज्यादा अनुभवी वकील की सलाह लेनी होगी। नेगेटिव, मीटिंग आदि में जरूरत से ज्यादा बोलने से बचें। आज आप कोई बात ठीक से समझे बिना किसी नतीजे पर ना पहुंचे। मन में झुंझलाहट और किसी तरह की भड़ास भी हो सकती है। खर्चे की वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी पर भी असर पड़ सकता है। जीवन साथी के खर्चे आज आपको परेशान कर सकते हैं। जल्दबाजी के फैसले आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। क्या करें, शिवजी के दर्शन करें। लव पार्टनर के साथ दिन बीतेगा। पार्टनर से सम्मान और प्यार मिलेगा। करियर, कार्य क्षेत्र में पुराना विवाद चल रहा है तो खत्म हो जाएगा। बिजनेस में सफलता और फायदा मिलेगा। हेल्थ, दौड़ भाग के कारण थकान रहेगी। आलस्य से परेशान रहेंगे। मिथुन, पॉजिटिव दिन अच्छा है, साथ ही रोचक भी रहेगा। खुद को शांत और संयम से रखें तो अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने और जानकारी प्राप्त करने के साथ सक्रिय रहेंगे। कोई करीबी व्यक्ति आपका हौसला भी बढ़ सकता है। पुराना विवाद सुलझ सकता है। आप समझौता कर सकते हैं। रोजमर्रा के कामों में रुकावटें खत्म हो जाएंगी। आपका ध्यान संतान और शिक्षा की तरफ रहेगा। आज आप अपनी वाणी से हर काम पूरे कर सकते हैं, मीठा बोले। नेगेटिव, विवादों में फंसने से बचें। लापरवाही में आप कोई ऐसा फैसला भी कर सकते हैं जो खुद आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हड़बड़ी में कोई छिटपुट दुर्घटना भी होने के योग बन रहे हैं। आप आज ही मिले धन में से ज्यादातर खर्चा बेवजह ही कर सकते हैं। पैसों की स्थिति कमजोर हो सकती है। पैसों के मामलों में किसी के साथ थोड़ी बहुत अनबन भी हो सकती है। काम से फुर्सत शायद ही मिल सके। क्या करें, तांबे के बर्तन का पानी पिए। लव लाइफ के लिए दिन थोड़ा मिला जुला हो सकता है। थोड़ी परेशानी भी होगी। करियर, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है। पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को मेहनत से सफलता मिलेगी। मेडिकल स्टूडेंट्स को शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। हेल्थ, दिन सेहत के लिए ठीक नहीं है। पेट खराब हो सकता है। मानसिक तनाव भी रहेगा। कर्क, पॉजिटिव, आपकी इच्छा मनमर्जी के काम करने की होगी।
किसी योजना पर उतना ही आगे बढ़ रहे जितने से दूसरे लोग सहमत होते हो। एक काम निपटने के बाद ही दूसरे काम में हाथ डालें। जो काम आपकी नजर में निपट गया हो उसे भी एक और बार जांच लें। परिवार के लिए कोई बीमा पॉलिसी या खास जगह निवेश का मन बन सकता है। लोग आपसे निजी मामलों को लेकर सलाह ले सकते हैं। नकारात्मक विचार भी मन में न आने दें। उनका सीधा असर आपके प्यार और परिवार पर पड़ सकता है। कहीं भी उलझने से खुद को बचाएं। नेगेटिव किसी खास काम में कोई गलती भी हो सकती है। खर्चा बढ़ सकता है। आपकी राशि के लिए चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आज आप दूसरों के निर्देश मानने से परेशान हो सकते हैं। ज्यादा आक्रामक ना हो, वरना विवाद भी हो सकता है। सावधान रहें। कोई फैसला अपनी कल्पना के आधार पर ना करें तो ही अच्छा है। क्या करें आज अपने खाने में धनिये का उपयोग करें। लव पार्टनर के साथ समय बिताएंगे तो दिन कुछ अच्छा रहेगा। पार्टनर कहीं घूमने जा सकते हैं। करियर आमदनी में बढ़ोतरी के योग है। खर्चा भी बढ़ सकता है। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आलस्य और थकान भी महसूस करेंगे। हेल्थ सेहत पर ध्यान दें। पेट संबंधित बीमारियां हो सकती है। चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि के लिए ठीक रहेगी। आपको किए गए कामों का पूरा फायदा मिल सकता है। आप शांत होकर विचार करें और अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करें। कुछ लोग और कुछ बातें एक साथ आपके सामने आ सकते हैं। इससे आप हैरान भी हो सकते हैं। आपको मिलने वाले ज्यादातर समाचार अच्छे आएंगे। साथ काम करने वालों से आप ज्यादा ही बातें करेंगे। आपके मन में जो भी शिकायतें हैं उन्हें आप खुद तक ही रखें और अपने काम पर ध्यान दें। आप घर से ही कोई काम या बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार करेंगे। नेगेटिव आज आप अनमने हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी और सुस्ती भी महसूस हो सकती है। जो काम आज हो सकता हो उसे कल पर ना टालें। सुस्ती और थकान भी महसूस हो सकती है। इसके कारण आप किसी महत्वपूर्ण बात की अनदेखी भी कर सकते हैं। फालतू रुकावटों और परेशानियों से प्रभावित हो सकते हैं। इस वजह से कुछ काम भी अधूरे रहेंगे। क्या करें परफ्यूम या डियो यूज ना करें। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। पार्टनर बहुत भावुक भी हो सकता है। पार्टनर से बोलचाल बंद है तो उसको ना छेड़ें। करियर बिजनेस में विवाद की स्थिति बन सकती है। नई योजनाओं से भी फायदा होगा। मेहनत के अनुसार नतीजे मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स थोड़े परेशान हो सकते हैं। हेल्थ आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। कन्या पॉजिटिव दिन अच्छा है। चंद्रमा गोचर कुंडली के कर्म भाव में रहेगा। हर काम बहुत अच्छी तरह और आसानी से निपट सकता है। ऑफिस में बातचीत में भी सफलता मिलेगी। गलतफहमी या परेशानी भी खत्म होने की संभावना है। लोग आपका सहयोग करेंगे लेकिन फल आपको ही करनी पड़ेगी। फैसले करने के लिए भी समय अच्छा है। पैसों के नजरिए से भी दिन बेहतर रहेगा। आपको किसी सामाजिक कार्यक्रम में या किसी से मिलने भी जाना पड़ सकता है। पुरानी तारीखें, लेन देन और जमा राशि को एक बार देख लें। आज आपको धन लाभ भी हो सकता है। शांत रहे। नए लोगों से भी मुलाकात होने के योग है। नेगेटिव किसी भी कागज को ठीक से पढ़े बिना उस पर साइन ना करें। किसी दोस्त या रिश्तेदार का मूड आपकी वजह से खराब हो सकता है। कुछ लोगों से फालतू ही बहस हो सकती है। कोई योजना या काम जैसा चलता आ रहा है उसमें बदलाव ना करें। मकान भूमि प्लॉट संबंधी काम पूरे होने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। बैंक का काम बीमे और टैक्स के मामलों पर भी आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। क्या करें मीठा पराठा या कोई तली हुई चीज खुद खाएं या दूसरों को खिलाएं। लव दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी। किसी बात पर भी जीवन साथी से अनबन भी हो सकती है। करियर निवेश करते समय सावधानी रखें। धन लाभ भी हो सकता है। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए दिन परेशानियों वाला हो सकता है। हेल्थ माता की सेहत खराब हो सकती है। तुला पॉजिटिव नौकरी संबंधित मामलों के लिए दिन अच्छा है। चंद्रमा गोचर कुंडली के भाग्य भाव में रहेगा। थोड़ी सी कोशिश से आपका पद या वेतन बढ़ सकता है। नौकरी और करियर के मामले में अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं।
सूचना, मीडिया, कंप्यूटर क्षेत्र के लोगों को नई नौकरी का मौका मिल सकता है। अपनी सफलता की राह में दूसरों को बीच में न आने दें। आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। पैसों से जुड़े किसी मामले को लेकर किसी व्यक्ति से बहुत रोचक मुलाकात हो सकती है। जीवन साथी को अचानक किसी ऐसे निवेश का फायदा मिल सकता है जिसके बारे में आपको शायद ही कुछ याद हो। प्रेमी या जीवन साथी के साथ समय बीतेगा। आने वाले दिन में सोचे हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। नेगेटिव, कुछ लोगों के साथ हल्का विवाद हो सकता है। आप कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो सकते हैं। किसी के साथ बात इस तरह भी बिगड़ सकती है कि फिर उसे संभालना कठिन हो जाए। रोजमर्रा और पार्टनरशिप के कामों में रुकावटें बढ़ सकती हैं। अनजान लोगों से भी सावधान रहे। कामकाज में बहुत ज्यादा उतावलापन दिखाने या जल्दबाजी करने से उल्टा नुकसान हो सकता है। क्या करें, आलू में हल्दी डालकर गाय को खिलाएं? लव प्रेमियों के लिए दिन शुभ नहीं है। पार्टनर से भी अनबन हो सकती है। आपके मूड से पार्टनर का भी मूड खराब हो सकता है। करियर, सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन शुभ रहेगा। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। हेल्थ पेट संबंधी रोग होने की संभावनाएं हैं। मसालेदार भोजन से बचें, चोट से बचें। वृश्चिक, पॉजिटिव, समाज में जान पहचान बनाने के लिए नए रास्ते खोलेंगे। आज आपके निजी जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं। ये बदलाव आपकी इच्छा के अनुरूप रहेंगे और आपको पसंद भी आएंगे। नए कपड़े, सजना संवरना और नए शौक पूरे करने का मन बनेगा। किसी रिश्तेदार या दोस्त से अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। जिम्मेदारियों का बोझ भी आप पर ज्यादा हो सकता है। अपने किसी साथी या किसी अनजान व्यक्ति की बहुत मदद करेंगे। किसी ऐसी जगह की यात्रा हो सकती है जहां आप पहले नहीं गए हो। ऑफिस या बिजनेस में आप कोई खास तरह के काम निपटाने की प्लानिंग कर सकते हैं। नेगेटिव, कोई गुप्त बात या आपका ही राज उजागर हो सकता है। दूसरों की रुकावटों और व्यवहार से एकाग्रता टूट सकती है। कुछ काम में मन नहीं लगेगा। किसी झगड़ालू व्यक्ति से भी आज आप उलझ सकते हैं। आज कोई बात बढ़ी तो बढ़ती चली जाएगी। क्या करें, उत्तर दिशा में तेल का दीपक लगाएं। लव लाइफ, पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। दिन अच्छा बीतेगा। करियर, बिजनेस के लिए वृश्चिक राशि वालों का समय अच्छा है। आज किए गए किसी निवेश का फायदा आपको आने वाले दिनों में हो सकता है। स्टूडेंट्स को अच्छी खबर मिल सकती है। बड़े लोगों से मुलाकात या सहयोग मिल सकता है। हेल्थ, सेहत के मामले में दिन ठीक ठीक ही रहेगा। सिर दर्द भी हो सकता है। धनु, पॉजिटिव, चंद्रमा के प्रभाव से रोजमर्रा के कामकाज पूरे हो सकते हैं। आप नौकरी में स्थानांतरण या कामकाज में बदलाव चाहते हैं तो कोई खबर मिल सकती है। आपका मन भी काफी सक्रिय रहेगा। जहां तक हो सके आज आप शांत रहें, समय का आनंद लें। समय पहले से थोड़ा बेहतर रहेगा। पुराने परिचित लोगों से मुलाकात हो सकती है। लोग अपनी समस्याएं आपके सामने रख सकते हैं और आप उनको निपटाने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव, आप किसी भी बात को बहुत लंबा ना खींचे। कर्जा लेना चाहते हैं तो एक दो दिन रुक जाए। आपके कुछ काम भी अधूरे रह सकते हैं। आपका व्यवहार कई बार नियंत्रण से बाहर हो सकता है। आज आप किसी भी तरह का जोखिम ना लें। पैसों के मामले पर कोई विवाद होने की भी संभावना है। आज आपको अपना काम किसी बोझ की तरह लग सकता है। घर और कार्यक्षेत्र दोनों जगह का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। क्या ना करें, स्मोकिंग ना करें। लव, आज जीवन साथी के साथ अनबन होने के योग बन रहे हैं। करियर, साझेदारी के बिजनेस में फायदा हो सकता है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को मेहनत से ज्यादा नतीजे मिल सकते हैं। हेल्थ, आपकी सेहत भी ठीक ठीक ही रहेगी। पुराने रोगों में भी आराम मिल सकता है। दिन अच्छे से बीतेगा। मकर, पॉजिटिव, आपके लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पुरानी परेशानियों का कोई समाधान भी आपको मिल सकता है। डेली रूटीन सहज और सरल हो सकता है। बिजनेस संबंधित किसी महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के पहले ठीक से विचार कर लें। स्थितियां समझ लें और तैयारी करके ही आए। लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें रहेंगी। भाइयों या पड़ोसियों से ज्यादा अपनत्व भी महसूस हो सकता है। दुश्मनों पर जीत मिल सकती है।
मेहनत से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। आज होने वाली आमदनी में से कुछ पैसा आप भविष्य के लिए बचा सकते हैं। बिजनेस में भी बदलाव का मन बनेगा, किस्मत का साथ मिल सकता है। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए समय पहले से बेहतर है। नेगेटिव नौकरी बिजनेस के कुछ खास कामों में रुकावटें आ सकती है। ऑफिस में आप किसी परेशानी का भी सामना कर सकते हैं। वाहनों से सावधान रहने की जरूरत है। क्या करें, आटे में हल्दी डालकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को डालें। लव पार्टनर से सहयोग और पैसा मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। करियर बिजनेस में नई योजनाएं बनेंगी। लेन देन में सावधानी रखें, कुछ लोग अपने परिणाम से असंतुष्ट हो सकते हैं। हेल्थ अगले से जुड़े रोग परेशान करेंगे। कुंभ पॉजिटिव, आपको जो जिम्मेदारी मिलेगी उसमें आपको सफलता मिल सकती है। काम का नेतृत्व भी आपके हाथों में हो सकता है। आपको शांति से काम करना पड़ेगा और दूसरों की बातें भी गंभीरता से सुननी पड़ेगी। आज आपके ज्यादातर काम भी पूरे हो सकते हैं। करियर के मामले में अचानक कोई खुशखबरी मिल सकती है। कई दिनों से चली आ रही मायूसी भी खत्म हो सकती है। स्वतंत्र ढंग से व्यवहार करने के बजाय आज आप नियमानुसार चलना पसंद करेंगे। सामाजिक दायरे में भी खुद को संयमित रखेंगे। धन की बचत कर सकते हैं। खर्चे पर भी नियंत्रण रखें। नेगेटिव, आज आपको सुस्ती महसूस हो सकती है। जिम्मेदारियां भी बोझ लग सकती है। किसी भी कागज पर साइन करने के पहले उसे बार बार चेक कर ले। जिम्मेदारियों की अनदेखी करेंगे तो किसी के साथ कुछ अनबन भी हो सकती है। क्या करें, गुलाब का फूल अपनी गाड़ी में या अपने पास रखें। लव, इस राशि के अविवाहित लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। दिन अच्छा रहेगा। करियर, व्यापारियों के लिए फायदे का समय है। निवेश का फायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करने का समय रहेगा। हेल्थ, जरूरी चेकअप करवाते रहे। मौसमी बीमारियां होने की संभावना है, संभल कर रहे। मीन पॉजिटिव, आपके विचार साफ रहेंगे और आपको सफलता भी मिल सकती है। भविष्य की किसी योजना के बारे में अधिकारियों से बातचीत हो सकती है। प्रेमी से अपने मन की बात भी आप कह सकते हैं। रोमांस के क्षेत्र में आपको सरप्राइज मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आप पूरी तरह अनुशासित रहे। किसी चीज को लेकर आप थोड़े ज्यादा उत्सुक भी हो सकते हैं। परिवार की तरफ से कोई रोचक खबर आपको मिल सकती है। किसी से मुलाकात या बातचीत करने और किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तो दिन बहुत अच्छा है। कोई ऐसी बात या परिस्थिति भी आपके सामने आएगी जिससे आपकी सोच बदल सकती है। यह बदलाव आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए दिन भी सामान्य रहेगा। नेगेटिव, आज आप किसी मामले में ज्यादा जिद करेंगे तो परेशान हो सकते हैं। जल्दबाजी या हड़बड़ी में भी आप खुद का नुकसान करवा सकते हैं। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी होगी। कुछ नया करने के लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्या करें, कोई सुगंधित चीज अपने पास रखें। लव, प्रेम में संबंध विच्छेद का डर रहेगा। लाइफ पार्टनर से विचार नहीं मिलने के कारण अनबन हो सकती है। करियर, जोखिम भरे सौदे ना करें तो ही अच्छा है। उधार दिया पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। स्टूडेंट्स को मेहनत से कुछ कम परिणाम मिलेंगे। हेल्थ, पुराने रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है। आपकी सेहत में भी सुधार होगा।